हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सो बेसिकली आज हम लोग कैंडीज़ के साथ खेलने वाले हैं ठीक है तो बेसिकली हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट का नाम है किड्स विथ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडीज ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू गाइज हैव नॉट लाइकड एंड सब्सक्राइब टिल नाउ गो गो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज प्लीज गाइज आई एम वेटिंग नाउ i Okay, cool. We'll, we'll start. I'll give you time next time. Again. Okay? Please guys, do it. Okay? So, kids uh, hmm. with the greatest number of candies will start that. And, okay. So, let's start. Which kid will have greatest number of candies okay as the problem statement is okay let's read the problem statement first there are n kids with candies you are given an integer array candies where each candies i represent the number of candies the ith kid has and an integer extra candies denoting the number of extra candies that you have समझते हैं कि हम लोग के पास एक एरे दिया हुआ है और उसमें हम लोग के पास दिया हुआ है कि कितना वैल्यूज है उसमें ठीक है रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कैंडीज दैट आई किड है एंड देर इज अ वेरिएबल एक्स्ट्रा कैंडी विच रिप्रेजेंट हाउ मच आई हैव इट ओके हाउ मच आई कैन

हम लोग को एक ऐसा मतलब बेसिकली हम लोग को रिजल्ट प्रिंट करना है ठीक है एरे प्रिंट करना है वो एरे हम लोग का कैसा होगा बुलियन टाइप का वैल्यूज रिप्रेजेंट करेगा ठीक है ट्रू या तो फॉल्स अब इसका मतलब क्या है कि बेसिकली वी नीड टू कीप ट्रैक कि सपोज अगर हम वो चॉकलेट्स जो भी कैंडीज मेरे पास है हम अगर उस बच्चे को दे देते हैं तो वो सबसे ज्यादा उसके पास कैंडीज होगा ठीक है इसका मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को लाइक सपोज सिंपल शब्द में समझिए ठीक है मेरे पास तीन, आई आर थ्री किड्स नाउ आई वॉन्ट टू चेक कि मतलब uh, पहले से कौन से किड के पास कितना है ठीक है तो पहले तो हमको वो भी पता करना होगा क्योंकि आई हैव सपोज फाइव चॉकलेट ठीक है एक किड फर्स्ट किड हैज वन चॉकलेट ठीक है एंड अनदर किड हैज कैंडीज एंड द थर्ड वन हैज थ्री कैंडीज ठीक है अब क्या होगा आई हैव फाइव कैंडीज अगर हम फर्स्ट किड को देते हैं तो क्या हो जाएगा उसका सो वट विट विल बिकम सिक्स टू थ्री मैक्सिमम ऑफ अदर टू किट्स राइट सो हम लोग क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा फर्स्ट के लिए सेकेंड के लिए क्या होगा अब हम लोग टू किए टू प्लस फाइव किए सेवन हो गया राइट right? अब हम लोग क्या हो रहा है वन सेवन एंड थ्री विच इज मैक्सिम ऑफ अदर टू किड्स राइट ट्रू हो जाएगा और थ्री के भी केस में थ्री प्लस फाइव एट और विच इज मैक्सिमम ऑफ अदर टू सो इट इज बिकमिंग ट्रू 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 एज द फाइनल रिजल्ट आर यू गेटिंग माई पॉइंट ठीक है तो अब हम लोग क्या करना है uh, जैसे कि एक एग्जाम्पल है यहाँ पे और एक ठीक है टू थ्री फाइव वन थ्री दीज आर किड्स इसको आप किड समझो ठीक है फर्स्ट किड के पास टू कैंडीज है थर्ड सेकेंड के पास थ्री है थर्ड के पास फिफ्थ पांच है ठीक है ऐसा एक्स्ट्रा कैंडी मेरे पास थ्री है तो थ्री प्लस टू अगर करते हैं फाइव विच इज मैक्सिमम क्या इज इट मैक्सिमम ऑफ ऑल ग्रेटेस्ट अमंग द किड्स तो

He is not getting the maximum because the maximum value is five, right? So वैसे ही हम लोग को रिटर्न करते जाना okay? we'll तो है स्यूडो कोड नाम करेंगे हम ट्रैक करने के लिए यहाँ पे एक हम रिजल्ट नाम का एक constant असाइन कर दिए एक वेरिएबल असाइन कर लिए ठीक है अब हम लोग का क्या होगा नेक्स्ट ठीक है ये हुआ हम लोग का एक मिनट वन सेकेंड रिजल्ट हो गया अब हम लोग को क्या करना है अब हम लोग को ट्रैवर्स भी करना है ठीक है और एक हम लोग वेरिएबल ट्रैक करेंगे हम क्या बोले थे कि वी नीड टू मेक श्योर कि पहले ये देख लें कि आखिर वो बच्चा कौन है जो कि मैक्सिमम होल्ड कर रहा है पहले से ठीक है क्योंकि हम लोग का टारगेट क्या होगा उससे कंपेयर करना कि भाई बाकी बच्चे जो हैं उनको अगर हम कैंडीज दे भी रहे हैं तो वो उससे ज्यादा हो रहा है कि नहीं तभी उसमें रिटर्न रिटर्न करना है जो मैक्सिमम है वो तो मैक्सिमम है ही ठीक है लाइक सपोज आई आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ थ्री किड्स आई हैव थ्री किड्स अब पहले के पास कितना था वन कैंडी दूसरे के पास दो कैंडी तीसरे के पास तीन कैंडी मैक्सिमम किसके पास है तीसरे के पास उसको अगर हम कोई कैंडी ना भी दें तो भी उसका वैल्यू क्या होगा रिटर्न ट्रू होगा राइट क्योंकि उसके पास मैक्सिमम है भले मेरे पास एक्स्ट्रा कैंडीज जो है वो जीरो है फिर भी उसके पास जो एरे का अगर हम रिजल्ट रिटर्न करें तो उसका वो मैक्सिमम होगा एंड दैट विल रिटर्न ट्रू सो आई विल जस्ट क्रिएट मैक्स कैंड मैक्स कैंड किट ठीक है वो क्या होगा मैक्सिमम ऑफ लाइक वी विल गेट कैंडीज मैक्सिमम ऑफ द एरे ठीक है नाउ आई स्टार्ट इटरेटिंग ठीक है फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ कैंडीज जो एरे दिया हुआ हम का, का, दिया है हम लोग का कैंडीज का जिसमें किड्स का कैंडीज दिया हुआ है ठीक है हम लोग इटरेट होना शुरू करेंगे और उसमें चेक करते जाएंगे आप सब वैल्यू में ठीक है इफ ठीक है इफ कैंडीज आई प्लस एक्स्ट्रा कैंडी इज ग्रेटर जो भी मैक्सिम था, था उससे ही कंपेयर करो सबसे क्यों कंपेयर करना है क्योंकि ऑब्वियसली देखो मैंने रीजन क्या बताया था कि मैक्सिमम कैंड किट जो है वो ऑलरेडी विजेता है ही इज ऑलरेडी अनर इवन दो आई गिव हिम और हर इवेन आई गिव हिम और हर नो कैंडीज ही इज ऑलरेडी विनर राइट सो हम क्या करेंगे बाकी सब से तो वो विनर है तो हम उससे उसको बेंचमार्क रख के उससे कंपेयर करेंगे ठीक है इफ येस अगर वो उसको हरा दे रहा है तो हम क्या करेंगे रेस डॉट अपेंड मतलब ये जीत गया राइट ट्रू यही तो हमारा मोटिव था ठीक है एल्स अगर ये नहीं होता है तो रेस डॉट पे एल्स स्मॉल में होता है ठीक है एल्स रेस डॉट अपेंट फॉल्स क्योंकि वो तो पहले से हरा हुआ था मैक्स कैंडी कैंडिंग से बट इवन दो आई हैव ट्राई टू गिव हिम और हर अ कैंडी वो जीत नहीं पाया ठीक है मैक्सिमम कैंडी जिसके पास था जो बच्चे के पास ही इज द विनर स्टिल ठीक है तो ऐसे करते करते हम लोग का क्या होगा वी विल हैव अ रिजल्ट एरे जिसमें हम लोग के पास होगा दो स् किड्स जिनको हमने कैंडी दिया है और वो बाकी किड्स से ज्यादा उनके पास कैंडीज रहेगा ठीक है और रिटर्न रेस्ट कर देंगे ठीक है अब डायरेक्ट हम चलते हैं अपने लीड कोड में और ये रहा हमारा लीड कोड यहाँ पे मैंने पेस्ट किया इंडेंटेशन को फिक्स किया ठीक है क्या करना है इंटरव्यू में भी आप लोग एक डॉक खोलो मतलब इवन द इंटरव्यूअर विल बी वेरी हैप्पी ऐसे ही आप उनको ब्रेक डाउन करके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझाओ ठीक है जितना इजीली आप उनको समझाओगे उतना इजीली आपको यहाँ पे जब आप या लीड कोड या हैकर रैंक कहीं पे भी कोड करोगे आप इजीली वहां पे कर सकते हो ठीक है जैसे मैं डॉक से यहाँ पे जब प्रिंट करती हूँ तो कुछ इश्यूज कुछ चेयर आते हैं राइट उसके से मैं क्या करती हूँ फिर रिजोल्व करती हूँ क्योंकि मे लॉजिक बना हुआ है नाउ देर माइंड बी सम

ठीक है यहाँ पे इक्वल टू भी होगा राइट क्योंकि अगर वो उसके इक्वल भी है तो भी तो हम लोगों को वो करना है ना उसको रिटर्न ट्रू करना है राइट सही है तो इसी के साथ सक्सेसफुली हम लोग का थर्ड डे भी अच्छे से हो गया कंग्रेचुलेश गाइस वी आर ऑन अ राइट ट्रैक एंड साथ में हम लोग एक साथ क्रैक करेंगे सो so, ऑल द बेस्ट एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज थैंक यू लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक पांच हजार लॉटे तक जाना चाहिए